Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastav, and in today's lecture we will discuss about the header linked list. So header linked list एक ऐसा concept है जिसमें कि किसी भी linked list के beginning में एक ऐसा node होता है जिसको हम head node कहते हैं और ये global information रखता है about the linked list. For example, अगर हमारे पास एक linked list है और उसमें let's say तीन nodes हैं. इन तीन नोड्स के पास कुछ वैलिड इंफॉर्मेशन है ए बी सी समथिंग लाइक दिस और इसके स्टार्टिंग में एक ऐसा नोड है जिसको हम हेड नोड कह रहे हैं और हेड नोड फर्स्ट नोड है इस लिंक लिस्ट का. लेट्स से इसको हमने हेड से डिनोट किया और दिस इज कंटेनिंग लेट्स से द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट. सो अगर आपके लिंक लिस्ट में तीन नोड्स हैं 1 2 3 सो हेडर नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में 3 इंफॉर्मेशन हो गया. इसी तरह से जो हेडर नोड है वो हो सकता है कि लिंक लिस्ट में जो भी डेटा वैल्यू रखी है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है उसको स्टोर करता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी सी को अल्फाबेट्स माने तो सी जो अल्फाबेट है वो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू है तो ये लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन रख रहा है. सिमिलरली द हेडर नोड मे कंटेन द मिनिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंक लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ए है वो भी ये रख सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिंक लिस्ट के हेडर नोड में सारी इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू दी लिंक लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्पेशल नोड बनाया जो कि हेड नोड की तरह से ट्रीट हो रहा है और इसमें तीन इंफॉर्मेशन फील्ड है और एक नेक्स्ट एड्रेस फील्ड है. तो हो सकता है कि ये 3 रखे जो कि नंबर ऑफ नोड्स है, ये ए रखे जो कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन है लिंक लिस्ट में, ये बी रखे जो कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है लिंक लिस्ट में और हमने कहा कि एक हेड है जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंटर है जो कि इस पहले नोड का एड्रेस होता है. तो हम सबसे पहले छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमने ये माना था कि हेडर नोड में केवल काउंट ऑफ नोड्स है इन द लिंक लिस्ट. सो मान लेते हैं कि हमारे पास ये हेड नोड है और इसको हमने हेड पॉइंटर से डिनोट किया है एंड दिस इज कंटेनिंग द टोटल नंबर ऑफ द नोड्स. तो जब भी हम अपनी लिंक लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन को डिजाइन करेंगे. सो लेट्स से हम क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं और जब भी हम क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन को डिजाइन करेंगे और हेड हमें गिवन होगा तो हम सबसे पहले एक नोड बनाएंगे. तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है गेट नोड और ये हमें एक मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस दे देता है. हमने मान लिया कि उस एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस हमने पी पॉइंटर में एक्सेप्ट करा लिया है. इसके बाद इसके इंफॉर्मेशन फील्ड में हम 0 डाल देते हैं. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नोड हमने बनाया है वो केवल हेड नोड है और अभी लिंक लिस्ट में हमारे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, और कोई नोड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में 0 है. इसका मतलब है कि काउंट ऑफ नोड्स हमारे 0 हो गए. फिर इसके बाद ये जो नोड हमने बनाया है इसके नेक्स्ट फील्ड में हमें नल सेट करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि 1 एंड ओनली नोड है इसलिए इसके नेक्स्ट फील्ड में नल होगा. साथ ही साथ जो हमने नया नोड बनाया है इसी को हम हेड मान लेंगे तो इसलिए हमने कहा कि हेड इज इक्वल्स टू पी. सो दिस इज अवर फंक्शन फॉर क्रिएटिंग द हेडर लिंक लिस्ट. सो हेडर लिंक लिस्ट क्रिएशन के समय केवल एक सिंगल नोड बनेगा और जब भी हमें इंसर्शन करना होगा तो हम हेड के बाद इंसर्ट करेंगे. तो लेट्स से हम एक फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम है इंसर्ट बिगिनिंग और इंसर्ट बिगिनिंग में हेड नोड गिवन है जिसमें कि जिस लिंक लिस्ट में मुझे एक्स इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करना है एज अ बिगिनिंग नोड. तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला लिंक लिस्ट अवेलेबल है और इसमें मैंने गेट नोड फंक्शन से एक नोड क्रिएट कर लिया. लेट्स से पी इज इक्वल्स टू गेट नोड. तो सबसे पहले हमने एक नोड क्रिएट कर लिया है और उसके बाद फिर हमने इसके इन्फॉर्मेशन फील्ड में एक्स डाल दिया. सो पी डॉट इन्फॉर्मेशन फील्ड दिस इज इक्वल्स टू एक्स. इसके बाद हमने जो हेड नोड है उसके बाद वाले नोड को क्यू मान लिया. इसका मतलब है कि इस नोड को हम क्यू मान लेते हैं, सेकेंड नोड को हम क्यू मान लेते हैं. सो क्यू इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट. इसके बाद हम क्या करते हैं, पी क्यू और हेड की लिंकिंग करते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं कि हेड के नेक्स्ट फील्ड में पी का एड्रेस डाल देते हैं. सो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी और पी के नेक्स्ट फील्ड में क्यू का एड्रेस डाल देते हैं. सो पी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू. तो इस तरह से मैंने बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट कर लिया लिंक लिस्ट में, लेकिन अब हमें हेडर नोड के ग्लोबल इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा
इसके पास पहले 3 था जो कि काउंट ऑफ नोड्स था, अब इसके पास 4 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे, वी विल से दैट कि हेड डॉट इन्फो इज इक्वल्स टू करंट हेड डॉट इन्फो प्लस 1। तो काउंट ऑफ नोड्स हमारे एक इंक्रीज हो गए। मान लीजिए कि हमारे हेडर लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड था और हमने इंसर्ट बिगनिंग ऑपरेशन को कॉल किया, सो हेड मेरा यहाँ पे है। हम बस ये देखना चाहते हैं क्या हमारा जो फंक्शन है वो इस सिनेरियो के लिए भी चलेगा। तो ये हेड नोड है और इसके नेक्स्ट फील्ड में नल है और इसके इन्फॉर्मेशन फील्ड में जीरो है। तो हमने कहा कि पी इज इक्वल टू गेट नोड, हमने एक नया नोड बना लिया। फिर हमने कहा पी डॉट इन्फो इज इक्वल टू एक्स, इसके इन्फॉर्मेशन फील्ड में एक्स डाल दिया। क्यू को मैंने हेड के नेक्स्ट फील्ड मान लिया, तो इसका मतलब है कि अगर हेड के नेक्स्ट फील्ड में नल है, कट, सो इस हेड फील्ड के हेड के नेक्स्ट फील्ड में नल है, तो हमने क्यू इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट माना है, तो क्यू मेरा नल हो गया। फिर हेड के नेक्स्ट फील्ड में मैंने पी डाल दिया, मतलब कि इस नोड के नेक्स्ट फील्ड में मैंने पी को स्टोर करा लिया। फिर पी के नेक्स्ट फील्ड में क्यू को स्टोर कराया, इसका मतलब कि पी के नेक्स्ट फील्ड में हम नल स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद हेड के इन्फॉर्मेशन में जीरो की जगह वन कर दिया, मतलब कि एक इंक्रीमेंट कर दिया। सो मेरा फंक्शन उस केस में भी वर्क कर रहा है जबकि लिंक लिस्ट में कोई भी और नोड्स नहीं है, केवल हेडर नोड है। इसके बाद मान लीजिए कि हमें एक डिलीट बिगिनिंग फंक्शन बनाना है। तो एक सिनेरियो मान लेते हैं कि एक लिंक लिस्ट, सो दिस इज दी लिंक लिस्ट अवेलेबल और यहाँ पे हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। हेड पॉइंटर के पास टू इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि लिंक लिस्ट जो वैलिड नोड्स हैं वो टू हैं। मुझे फर्स्ट नोड को या बिगिनिंग वाले नोड को डिलीट करना है, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि बिगिनिंग वाला नोड मेरा पी है। तो आइए सबसे पहले हम एक एल्गोरिथम को फॉर्मेट बना लेते हैं। सो डिलीट बिगिनिंग फंक्शन मुझे परफॉर्म करना है जिसमें हेड मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैंने हेड के नेक्स्ट वाले नोड को पी मान लिया। सो पी इज इक्वल्स टू हमने कहा हेड डॉट नेक्स्ट। इसके बाद मैंने पी के बाद वाले नोड को क्यू मान लिया। सो क्यू इज इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट। मुझे पी वाले नोड को डिलीट करना है, इसलिए हेड के नेक्स्ट फील्ड में मैं क्यू का एड्रेस डाल दूंगा। सो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू। इसके बाद क्योंकि ये नोड डिलीट हो जाएगा तो हेड के इन्फॉर्मेशन फील्ड को हम अपडेट करेंगे और कहेंगे कि हेड डॉट इन्फो इज इक्वल्स टू हेड डॉट इन्फो प्लस 1। इसका मतलब है कि पहले मेरे पास दो नोड थे, इस नोड का डिलीशन के बाद अब केवल एक ही नोड बचेगा। फिर पी नोड को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो मैंने कहा कि x इज इक्वल्स टू पी डॉट इन्फो देन फ्री नोड पी, इसकी जो मेमोरी है पी नोड की उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, एंड देन इसके बाद x इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ से रिट्रीव किया है उसको रिटर्न करा दीजिए। नाउ अब हम दो सिनेरियोस के लिए इसको पिक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे हेडर लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड है, हेड नोड तो है ये, उसकी काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा एक नोड है मेरे पास। सो दिस इज दी लिंक लिस्ट अवेलेबल। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा फंक्शन इसके लिए वर्क करेगा। तो मैंने माना p इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब इसी नोड को मुझे डिलीट करना है। फिर मैंने कहा q इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब है कि p के बाद वाले नोड को मैं मानूंगा q। इस केस में ये है q इज इक्वल टू नल। फिर मैंने कहा कि हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू q, इसका मतलब है कि हेड के नेक्स्ट में नल सेट हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि हेड की इंफॉर्मेशन को एक कम कर दीजिए, सॉरी डिलीट बिगिनिंग में एक छोटा सा गलती मेरे से हो गया, आप लोग प्लीज इसको प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। यहाँ पे माइनस वन होगा तो करंट इन्फॉर्मेशन है उसमें से हम एक माइनस करेंगे। सो हेड की इन्फॉर्मेशन को एक हमने माइनस कर दिया, देन उसके बाद जो नोड मुझे डिलीट करना है उसके इन्फॉर्मेशन को एक्स में सेव करके इस नोड को फ्री करके हमने इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज वर्किंग फाइन फॉर वन नोड ऑल्सो। लेकिन मान लीजिए कि मेरे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड्स नहीं है इनिशियली, इसका मतलब है कि केवल हेडर नोड होगा, तो उस केस में हम डिलीशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि अगर हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो उस केस में हम डिलीशन नहीं करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं कि राइट वॉयड डिलीशन और एग्जिट कर जाते हैं।
अदरवाइज हम ये सारा काम करेंगे जो हमने नीचे लिखा है. सो दिस इज वर्किंग फाइन फॉर द डिलीट बिगिनिंग फंक्शन. नाउ इसके बाद हम इसको कोड करके देखते हैं. तो ये मेरे पास कोड ऑलरेडी डिजाइन है, मैं जल्दी जल्दी इसको समझा देता हूँ. मैंने एक नोड के लिए स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसमें इंटीजर टाइप की इन्फॉर्मेशन है और एक सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट फील्ड को डिनोट करता है. तो मेरे नोड में दो फील्ड्स हैं. इसके बाद ये गेट नोड फंक्शन है. इस गेट नोड फंक्शन से मैंने मेलॉक फंक्शन को कॉल करके मेमोरी एलोकेट कर ली है एक नोड के इक्वल. और उसके बाद फिर मैंने इस नोड के लिए मेलॉक जो भी मेमोरी एलोकेट करके हमें दे रहा है उसकी टाइप कास्टिंग कर ले रहे हैं. और टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड के पॉइंटर के फॉर्म में. और पी जो कि स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर डिक्लेयर है उसमें हम इस मेमोरी के एड्रेस को रिसीव कर ले रहे हैं. पी के नेक्स्ट फील्ड को नल सेट कर रहे हैं. अगर आप इस स्टेटमेंट को यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा. और इस पी को हम रिटर्न कर दे रहे हैं क्योंकि पी पॉइंटर टाइप का, इसलिए हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर इसका रिटर्न टाइप माना है. फिर ये मेरा क्रिएट हेडर लिंक लिस्ट, क्रिएट लिंक लिस्ट का फंक्शन है जिसमें कि हेड पास हुआ है. सबसे पहले मैंने मेमोरी एलोकेट कर ली है, चाहे तो आप इसको गेट नोड फंक्शन से भी कर सकते हैं. या ये इसको हम गेट नोड फंक्शन इसको हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं और हम यहाँ पे गेट नोड फंक्शन को सीधे सीधे कॉल कर लेते हैं. सो p इज इक्वल्स टू गेट नोड फंक्शन. और इसके बाद फिर p के इन्फॉर्मेशन फील्ड में हमने जीरो डाल दिया. p के नेक्स्ट फील्ड को हमने नल कर दिया क्योंकि जो भी हेडर नोड क्रिएट होगा तो उसके नेक्स्ट फील्ड में हमारा नल होगा इनिशियली. फिर हेड डॉट हेड इक्वल्स टू p, जो भी नोड हमने क्रिएट किया उसी को हम हेडर नोड मान लेंगे. फिर इसके बाद ये मेरा इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन है जिसमें कि हेड पास हुआ है और एक्स इन्फॉर्मेशन जैसे हमने एल्गोरिथम लिखा था बिल्कुल वैसे इसको प्रोसीड करेंगे. p इज इक्वल्स टू गेट नोड हमने कहा, नया नोड ले लिया, इसमें इन्फॉर्मेशन फील्ड में एक्स डाल दिया. फिर इसके बाद मैंने हेड के नेक्स्ट वाले नोड को क्यू मान लिया है. फिर हम p, q और हेड की लिंकिंग कर रहे हैं. जो नया नोड क्रिएट हुआ उसको हेड के नेक्स्ट फील्ड में डाल देते हैं. q जो कि पहले से हेड का नेक्स्ट था अब वो सेकेंड नोड हो जाएगा, इसलिए p के नेक्स्ट फील्ड में हमने q डाल दिया. इस तरह से लिंकिंग हो गई. अब हम क्या करते हैं कि हेड के इंफॉर्मेशन फील्ड में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं जिससे कि जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसकी काउंटिंग अपडेट हो जाए. तो हेड नोड के जो का इंफॉर्मेशन फील्ड है उसमें काउंट ऑफ नोड्स है. फिर यह डिलीट बिगिनिंग फंक्शन है, इसमें हमें पहले नोड को डिलीट करना है. इसमें हमने क्या कहा कि पी हेड के नेक्स्ट वाला नोड है, मतलब कि पहला नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है. क्यू मेरा सेकेंड नोड है जो कि पी के नेक्स्ट वाला नोड है. हेड और सेकेंड नोड की लिंकिंग कर देंगे. जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है पी नोड की उसको एक्स वेरिएबल में एक्सेप्ट करके पी नोड को फ्री कर देंगे, उसकी मेमोरी को डीएलोकेट कर देंगे. और इसके बाद फिर हेड की इंफॉर्मेशन फील्ड में एक डिक्रीमेंट कर देंगे. ये काउंट ऑफ नोड्स को एक डिक्रीज कर रहा है और एक्स आइटम को रिटर्न कर देंगे. हम हो सकता है कि इस डिलीटेड आइटम को कहीं यूज करें. ये ट्रैवर्स फंक्शन है और ट्रैवर्स फंक्शन क्या कर रहा है कि सेकेंड नोड ऑनवर्ड्स ट्रैवर्सल करेगा. तो पी एक टेम्प्रेरी पॉइंटर है जो कि हेड के बाद वाले नोड का एड्रेस रख रहा है. जब तक पी नल ना हो जाए तब तक हम इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे और आगे मूव करते रहेंगे पी इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट से. ये मेरा मेन फंक्शन है जिसमें मैंने सबसे पहले हेडर नोड को बनाया और हेडर नोड को बनाने के बाद फिर क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन से एक नोड क्रिएट किया हेडर नोड और उसके काउंट उसमें काउंट ऑफ नोड्स को जीरो रख दिया. फिर इसके बाद हमने कई सारे इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शंस चलाए हैं 110, 100, 1000. तो हमने कुल मिला के 7 नोड्स क्रिएट किए हैं बिगिनिंग में इंसर्ट किए हैं. इन्हीं 7 को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि कितने काउंट ऑफ नोड्स हैं स्टार्टिंग में ट्रैवर्स करके हमने देखा. इसके बाद फिर मैं डिलीट करूँगा. डिलीट करने से एक नोड कम हो जाएगा एंड देन फिर से मैं काउंट ऑफ नोड्स प्रिंट करूँगा और फिर ट्रैवर्स फंक्शन से ट्रैवर्स करके देखूँगा लिंक लिस्ट को. रन करके देखते हैं इसको, आप चेक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट में 7 नोड्स हैं. इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्प्ले भी कर दिया है. फिर इसका एक नोड आपने डिलीट किया तो काउंट ऑफ नोड 6 हो गया. पहला नोड जो जिसमें 5000 इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट हो गया है और बाकी इन्फॉर्मेशन को आपने डिस्प्ले करा दिया है. तो आई होप आपको ये हेडर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेडर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और ग्लोबल इन्फॉर्मेशन थोड़ी और रखेंगे. यहाँ पे हमने केवल काउंट ऑफ नोड्स रखा था. अब नेक्स्ट में हम जब देखेंगे तो हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इन्फॉर्मेशन को भी रखेंगे.